हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस रेट है। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ मोड के बारे में और कैसे स्टार्ट करते हैं हम विंडोज 10 में सेफ मोड को, जो कि एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। काफी लोग पूछते हैं कि विंडोज 10 में सेफ मोड कैसे स्टार्ट करें। साथ ही साथ जानेंगे कि सेफ मोड होता क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है सेफ मोड की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज सेफ मोड। तो दोस्तों, सेफ मोड विंडोज का एक ऐसा डायग्नोस्टिक फीचर है जो ये फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है कि हमारी विंडोज प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अक्सर आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी हो, या फिर आने वाले समय में अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करें तो सेफ मोड की हेल्प से आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट या फिर स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करें, तो ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक पॉइंट पर आकर स्टॉप हो रहा है, देन उसके बाद वापस से रीस्टार्ट हो रहा है। तो मतलब कि हम उस मेन स्क्रीन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमें पहुंचना है। तो ऐसी प्रॉब्लम में हम ये डायग्नोस करते हैं कि क्या हमारा ओएस सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेफ मोड क्या होता है? सेफ मोड एक डिफॉल्ट ड्राइवर और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है और ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं। अगर आपका सिस्टम सेफ मोड में रन कर जाता है, दैट मीन कि जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद से ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो रहा होता है। तो सेफ मोड में हम ऑन करके अपने सिस्टम की वो प्रॉब्लम करेक्ट करके, जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था उसको अनइंस्टॉल करके, या फिर जो भी है टेम्पररी फाइल्स वगैरह एक्सेट्रा, ये क्लियर करके हम वापस अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर पाते हैं। तो अब बात आती है कि सेफ मोड को कैसे स्टार्ट किया जाए अपने विंडोज में। विंडोज 7 और 8 की बात करें तो जस्ट अपने सिस्टम से स्टार्टअप के टाइम पे, यानी कि जब आपका सिस्टम एकदम बंद होता है, जस्ट पावर बटन जब आप दबाते हैं, तो उसी समय जब आप अपने सिस्टम से F8 की दबाते हैं या फिर शिफ्ट प्लस F8 की दबाते हैं, तो डायरेक्टली आपके पास सेफ मोड की स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपके पास सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस तरह की स्क्रीन में आप सेफ मोड सिलेक्ट करके अपने सिस्टम को सेफ मोड में रन कर सकते हैं। लेकिन विंडोज 10 में ऐसा नहीं है। विंडोज 10 में कुछ अलग प्रोसीजर आपको यूज करना पड़ता है, तो वो प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते हैं कि कैसे हम विंडोज 10 में सेफ मोड को लॉगिन करते हैं। तो गाइस, यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। यहां पर सबसे पहले हम ये जो स्टेट है लैपटॉप की, ये हमारा लैपटॉप एकदम स्विच ऑफ है, अभी हमने इस पर पावर बटन प्रेस नहीं किया है। यहां पर आपको पावर बटन प्रेस करने से पहले मैं जो इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। पावर बटन प्रेस करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पावर बटन प्रेस करेंगे उसके बाद शिफ्ट प्लस F8 आप एक साथ दबाएंगे, जब तक आपके सिस्टम पर कोई स्क्रीन नहीं आ जाती है, ठीक है। कुछ लैपटॉप्स में सिर्फ शिफ्ट बटन भी वर्क करेगा, इन केस ऑफ विंडोज 10। मैं यहाँ पर सिर्फ विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विंडोज 10 में ही ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। विंडोज 7, 8 में आपके पास डायरेक्ट स्क्रीन आ जाती है सेफ मोड की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पावर बटन प्रेस करने से पहले शिफ्ट और F8 जो आपकी कीज हैं उनको आप प्रेस रखिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना पावर बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने शिफ्ट और F8 कीज को प्रेस किया और पावर बटन को फिर मैंने यहाँ पर दबा दिया है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो विंडो की स्क्रीन है वो आ गई है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर, ठीक है। तो सेम आपके विंडोज 10 में यहाँ पर लिखा आना चाहिए प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। अगर सिर्फ लोडिंग अगर आपके पास आता है तो डेट मीन की कीज वर्क नहीं करी है। तो पहले ही आप शिफ्ट और F8 कीज को प्रेस कर लें और उसके बाद आप पावर बटन प्रेस करें और दोनों को दबाए रखें। जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाए, यानी कि जिसमें आपके पास नीचे ऑटोमेटिक रिपेयर लिखा आ जाए, तो आप दोनों कीज से अपना हाथ हटा सकते हैं, फिर ये ऑटोमेटिकली आपके सामने जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। क्या ऑप्शन ओपन होते हैं अभी दिखाते हैं आपको। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा रहा है अटेम्प्टिंग रिपेयर्स। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं, फिर उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कैसे सेफ मोड ओपन किया जाता है। तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी ऑटोमेटिक रिपेयर की, जिसमें आपके पास दो बटन आ रहे हैं यहाँ पर, शट डाउन और एडवांस ऑप्शन का। यहाँ पर आपका माउस पैड वर्क करेगा। यहाँ पर जस्ट आप एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे, कंटिन्यू, ट्रबल शूट एंड टर्न ऑफ योर PC। तो आप ट्रबल शूट में यहाँ पर जाएंगे। ट्रबल शूट में जाने के बाद आपके पास फिर से दो ऑप्शन आएंगे, रीसेट दिस PC एंड एडवांस ऑप्शन। तो आप एडवांस ऑप्शन में आप जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 6 ऑप्शन आ रहे हैं इस बार, सिस्टम रिस्टोर, गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन, सिस्टम इमेज रिकवरी, स्टार्टअप रिपेयर, कमांड प्रॉम्प्ट, स्टार्टअप सेटिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से यहाँ पर सेफ मोड अनेबल करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल मेथड है जिसको आप सभी विंडोज 10 यूजर यूज कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक कमांड लिखनी होगी जो मैं आपको यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस कमांड से क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कमांड से आपकी जो सेफ मोड सिस्टम होता है वो इनेबल हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है BC, ठीक है, BCDEDIT, यानी कि BCDEDIT, ठीक है। इसके बाद स्पेस देंगे, एक स्लैश लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे सेट, SET सेट, और इसके बाद आपको यहां पर ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है डिफॉल्ट, एक स्पेस देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखना है आपको डिफॉल्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एक और स्पेस यहां पर लगाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे सेफ बूट, SAFEBOOT, सेफ बूट, और उसके बाद आप लिखेंगे मिनिमल, ठीक है। ये लिख के आप मिनिमल यहां पर लिखेंगे, यहां पर स्पेलिंग गलत हो गई, मिनी MINIMAL, ठीक है, मिनिमल आप लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहां पर आपके पास लिखा है द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये करने के बाद जब आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस कमांड को BCEDIT स्पेस स्लैश सेट, इसके बाद स्पेस कर्ली ब्रैकेट में डिफॉल्ट, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एक स्पेस देंगे, देन सेफ बूट स्पेस मिनिमल, ये आपको लिखना है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। चलिए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहां पर हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन कर गई है। अब क्या होता है, ये कमांड जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, दैट मीन कि आपके सिस्टम में से जो सेफ मोड है वो अनेबल हो गया है। जब भी आप अपना सिस्टम अब रिस्टार्ट करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे, आपका सिस्टम सेफ मोड में स्टार्ट होगा। अब आपको बस जस्ट यहां पर कंटिन्यू प्रेस करना है। यहाँ पर आपके सामने अब विंडोज स्टार्ट हो रही है, यानी कि रीस्टार्ट हो रही है। अब जो विंडोज रीस्टार्ट होगी वो ऑटोमेटिकली सेफ मोड में स्टार्ट होगी। अगर आपकी विंडोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से सेफ मोड ऑन हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। और अगर आपके बूट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस सेफ मोड में जाके जो नॉर्मल सेटिंग्स है उसमें चेंजेस करके आप वापस से अपनी विंडोज को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर जस्ट आपको अगर आपने कोई पासवर्ड यहाँ पर सेट कर रखा है, तो जस्ट आपको वो एंटर करना है, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर दिया, पासवर्ड एंटर, आपका जो पासवर्ड है अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, और है तो इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। जब भी आप सेफ मोड लॉगिन करेंगे, तो वो लॉगिन होने में कुछ टाइम इसलिए लेता है क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग पर वो फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेफ मोड आपका लॉगिन हो गया है, और यहाँ पर कॉर्नर में लिखा भी आ रहा है सेफ मोड। अगर आपके सिस्टम स्टार्टअप में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो आप यहाँ से उसको इजिली ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि विंडोज 10 में सेफ मोड अनेबल करने के बाद, जब भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सेफ मोड में ऑन होगा, ठीक है। चारों कॉर्नर पर यहाँ पर आपके पास सेफ मोड, सेफ मोड, सेफ मोड लिखा आ रहा है। दैट मीन कि आप सेफ मोड में लॉग इन है और आप सेफ मोड में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सेटिंग चेंज करने के बाद, सपोज आपका सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुकीज कैशे सब क्लियर करने के बाद आप सेफ मोड डिसेबल करके फिर लॉग इन करें, तो पॉसिबल है कि आपका सिस्टम लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सेफ मोड को कैसे एनेबल किया। सेफ मोड में लॉग इन करने के बाद, जब आपको लगे कि आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे आप सेफ मोड को वापस से डिसेबल कर सकते हैं। तो जस्ट आपको यहीं पर ही कुछ नहीं करना है, जस्ट यहीं पर आप विंडो प्लस R का बटन प्रेस करके कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं, CMD टाइप करेंगे और देन प्रेस एंटर करेंगे। यहां पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और यहां पर आपको जो कमांड लिखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप वही लिखेंगे BCDEDIT, ठीक है, BCDEDIT आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद एक स्पेस देना है और स्लैश लगा देना है। यहां पर आपको लिखना है डिलीट वैल्यू, DELETE डिलीट वैल्यू, VALUE, ठीक है, डिलीट वैल्यू। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट आपको लगा देना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद डिफॉल्ट यहां पे लिखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस कमांड में लिखा था
डिफॉल्ट यहाँ पे लिख दिया हमने और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया है, उसके बाद एक स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप सेफ बूट। ठीक है, सेफ बूट हमने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट आपको अब एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कर दिया, आपने देखा कि दी ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन कि इस कमांड से आपकी जो सेफ मोड है वो डिसेबल हो गया है। अब आप जब अपना विंडो लॉगिन करेंगे तो वो नॉर्मल लॉगिन होगा। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं और अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके आपको बताते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं बिना कुछ किए, क्योंकि हमने रिस्टार्ट पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर इस बार हमने जो सिस्टम है जो सेफ मोड था वो डिसेबल कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली विंडोज जो नॉर्मल विंडो है उसमें लॉगिन यहाँ पर होना चाहिए। तो यही दोनों मकसद थे हमारा इस वीडियो को बनाने का, कि आप दोनों चीजें समझ पाएं कि विंडोज 10 में आप कैसे सेफ मोड को अनेबल और डिसेबल करते हैं। यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा अगर विंडो अभी लॉगिन हो जाती है डिफॉल्ट मोड में, तो यहाँ पर आप इजीली समझ जाएंगे किस तरीके से हमने सेफ मोड अनेबल और डिसेबल किया। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सेफ मोड के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।